पीपल को सभी वृक्षों में श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है। इसे वृक्षराज कहा जाता है। पूज्य बापूजी के सत्संग वचनामृत में आता है, पीपल की शास्त्रों में बड़ी भारी महिमा आई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम, मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल में विष्णु जी का वास, देवताओं का वास बताते हैं, अर्थात उसमें सत्व का प्रभाव है। पीपल सात्विक वृक्ष है। पीपल देव की पूजा से लाभ होता है, उनकी सात्विक तरंगे मिलती हैं। हम भी बचपन में पीपल की पूजा करते थे। इसके पत्तों को छूकर आने वाली हवा 2400 घंटे आह्लाद और आरोग्य प्रदान करती है। बिना नहाए पीपल को स्पर्श करते हैं तो नहाने जितनी सात्विकता सज्जनता चित्त में आ जाती है, और नहा धोकर अगर स्पर्श करते हैं तो दुगनी आती है। शनिदेव स्वयं कहते हैं कि जो शनिवार को पीपल को स्पर्श करता है, उसको जल चढ़ाता है, उसके सब कार्य सिद्ध होंगे तथा मुझसे उसको कोई पीड़ा नहीं होगी। पीपल का पेड़ प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देता है और थके हारे दिल को भी मजबूत बनाता है। पीपल के वृक्ष से प्राप्त होने वाले ऋण आयन धन ऊर्जा स्वास्थ्य प्रद है। पीपल को देखकर मन प्रसन्न आह्लादित होता है। पीपल ऑक्सीजन नीचे को फेंकता है और 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। अतः पीपल के पेड़ खूब लगाया जाए। अगर पीपल घर या सोसाइटी की पश्चिम दिशा में हो तो अनेक गुना लाभकारी है। पीपल के शास्त्रों में महिमा। पीपल को रोपने, रक्षा करने, छूने तथा पूजने से वह क्रमशः धन, पुत्र, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करता है। अश्वत्था के दर्शन से पाप का नाश और स्पर्श से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु बढ़ती है। पीपल की 7 प्रदक्षिणा करने से 10,000 गौओं के और इससे अधिक बार परिक्रमा करने पर करोड़ों गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। अतः पीपल वृक्ष की परिक्रमा नियमित रूप से करना लाभदायी है। पीपल को जल देने से दरिद्रता, दुस्वप्न, दुश्चिंतता तथा संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पीपल वृक्ष की पूजा करता है, उसने अपने पितरों को तृप्त कर दिया। मनुष्य को पीपल के वृक्ष के लगाने मात्र से इतना पुण्य मिलता है जितना यदि उसके 100 पुत्र हों और वे सब 100 यज्ञ करें तब भी नहीं मिल सकता है। पीपल लगाने से मनुष्य धनी होता है। पीपल की जड़ के पास बैठकर जो जप, होम, अष्टोत्तर पाठ और यंत्र मंत्रादि के अनुष्ठान किए जाते हैं, उन सबका फल करोड़ों गुना होता है। पद्म पुराण के अनुसार घर की पश्चिम दिशा में पीपल का वृक्ष मंगलकारी माना गया है। अग्नि पुराण, जो मनुष्य एक पीपल का पेड़ लगाता है, उसे 1,00,000 देव वृक्ष लगाने का फल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के अनुसार संपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए पीपल और बर के मूल भाग में दीप दान करना अर्थात दीपक जलाना चाहिए। नारद पुराण के अनुसार पूज्य बापूजी के सत्संग में आता है, अन्य वृक्षों की अपेक्षा पीपल व वट वृक्ष की हवा थकान मिटाती है, ऑक्सीजन ज्यादा देती है। पीपल के नीचे बैठने से बुद्धि बढ़ती है। विपरीत बुद्धि वाले व्यक्ति को पीपल का फायदा ना मिले तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु भारत के ऋषियों ने पीपल पूजा की जो परंपरा आरंभ की है,
उससे फायदा होता ही है। जल, दूध और सिंदूर का मिश्रण करके पीपल को चढ़ाया जाता है। हम बच्चे थे तो घर से आधा पौना किलोमीटर दूर पीपल का वृक्ष था, वहाँ हम जाते थे और कई वर्षों तक हमने यह किया। उसमें पता नहीं चला कि इससे कितना फायदा होता है, लेकिन नए नए विचार, नए नए भाव आते थे और पीपल में भी मेरा भगवान है इस भाव को जागृत करने का भी अवसर मिला। तामसी राशि लोग हमारी यह बाल चेष्टा देखकर हंसते थे, परंतु हमको तो आनंद मस्ती आती थी, तो फिर हम उनकी बातों को नागन्य कर देते थे। एक तो सिद्धपुर में मधु पावरी के पीपल की हम पूजा वूजा करते थे, दो तीन वर्ष सिद्धपुर में रहे, और दूसरा पीपल पिकनिक हाउस के पीछे कंकरिया अहमदाबाद में था, उसकी हमने बचपन में पूजा आराधना की। नन्हे मुन्ने थे और सुन रखा था शनिवार को पीपल देवता को जल चढ़ाना चाहिए, किसी को पूजा करते देखा था। पूजा के निमित्त से अनजाने में प्रचुर ऑक्सीजन युक्त वायु भी मिलती गई और पीपल की बुद्धि मतावर्धक विशेषता का भी फायदा मिला तथा भगवान को पोषण मिलता रहा, भावना को पोषण मिलता रहा। इमली आदि वृक्षों के नीचे रात को सोने से जीवनी शक्ति का ह्रास होता है, दिन में भी ह्रास होता है और थकान आदि होती है, परंतु पीपल आदि से जीवनी शक्ति का विकास होता है। पीपल का स्पर्श बुद्धिवर्धक है, बालकों को इसका विशेष रूप से लाभ लेना ही चाहिए। रविवार को पीपल का स्पर्श ना करें। पूज्य बापू जी के सत्संग में आता है, हमारे शास्त्रों और महापुरुषों ने पीपल की महत्ता खूब बताई है। अनेक वैज्ञानिक भी बताते हैं कि पीपल के वृक्ष के फायदे अद्भुत हैं। पीपल का पेड़ हृदय को मजबूत करने वाला और कई औषधियां देने वाला है। दमा जो लाखों रुपये खर्च करने पर भी अंग्रेजी दवाओं से नहीं मिटता, वह पीपल के पत्तों और पीपल के फलों का उपयोग करने से मिट जाता है। स्वभाव में जो दब्बू है, ऐसे लोग भी अगर पीपल को स्पर्श करते हैं तो उन्हें भी कुछ बल मिलता है। जो लोग पीपल को फेरा कर फिरते हैं, पीपल को स्पर्श करते हैं, उनका हृदय मजबूत हो जाता है। कितनी भी गर्मी और गर्मी संबंधी बीमारियां हों, पीपल की टहनियां, पत्ते, फल, फूल सब छाया में सुखा के कूट दिया, उनका चूर्ण बना दिया, अथवा पीपल के पत्ते, टहनियां, फल आदि जो सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, उनका चूर्ण बनाकर रख लिया, एक दो चम्मच चूर्ण एक गिलास पानी में उबाला, फिर उसका शरबत बना के या दूध में डाल के पिया, इससे आपके शरीर की पित्त व गर्मी संबंधी बीमारियों में आराम हो जाएगा। महिलाओं के मासिक धर्म की जो गर्मी वर्मी है उसमें आराम हो जाएगा, इससे बहुत फायदे होते हैं। अगर मधुमेह है तो शरबत नहीं बनाया, सब्जी में ही एक दो चम्मच चूर्ण डाल दिया। पीपल के पत्ते गुर्दों की सफाई करते हैं, पेशाब खुल के नहीं आता हो, पित्त के कारण आँखों में जलन होती हो तो यह चूर्ण ले लेना चाहिए। हरे पीपल की ज़्यादा तोड़फोड़ करना अपराध माना जाता है। पत्ते गिरे हुए मिले तो ठीक है, नहीं तो पीपल देवता को प्रणाम करना, प्रार्थना करना कि है महाराज, औषधि के रूप में आपकी सेवा हम लेते हैं, कृपा करना, माफ़ी मांग के थोड़े पत्ते तोड़े, फिर पीपल को दूध और पानी चढ़ा दे। जैसी दृष्टि वैसा लाभ। एक वैज्ञानिक को पीपल का पेड़ दिखा, वह बोलेगा इसकी लकड़ियों में ऐसा है, यह गुण है या दोष है, इसके फर्नीचर से ऐसे ऐसे फायदे होंगे, यह होगा, इसके धुएं से यह हो रहा है और यह होगा। वैज्ञानिक ने पीपल को लकड़ी समझकर उसका उपयोग किया। वैज्ञानिक आधी भौतिक दृष्टि से देखता है तो उसका उपयोग आधी भौतिक
भौतिक ही होता है। वैद्य को पीपल का पेड़ दिखेगा तो वह बोलेगा कि इसमें पित्त समन का सामर्थ्य है, इसकी कोमलों कोपलों का पीपल कंद बनाकर रोज 10 ग्राम खाएं तो कैसी भी गर्मी हो शांत हो जाएगी। वैद्य की दृष्टि है कि पेड़ सात्विक है, इसमें अद्भुत शक्तिवर्धक औषधीय गुण छुपे हैं। भक्त पीपल को देखता है तो कहता है, ये तो पीपल देवता है, इसमें आदि दैविक स्वभाव के आत्मा भी वास करते हैं, ये तो नारायण की अभिव्यक्ति है। वह पीपल के पेड़ को धागा बांधेगा, जल चढ़ाएगा और उसके चारों तरफ घूमेगा, ओम होम जुम सह का जप करेगा और शनि देवता का पूजनादि करके करेगा। परंतु तत्ववेता बोलेंगे कि पंचभूतों और अष्टधा प्रकृति में चमचम चमकाने वाला वही मेरा चैतन्य है। अगर चैतन्य नहीं होता तो पृथ्वी से पेड़ रस कैसे लेता, फल कैसे लगते, फूल कैसे खिलते और सात्विक हवाएं कैसे बनती। ब्रह्म पीपल का पेड़ बनकर अपने आप को पोषित करता है। हम जब बच्चे थे तो पीपल की जड़ों को हरिओम ओम तू ही ओम ओम कह के चंपी करते थे, बड़ा आनंद आता था। घर से जाते तब भी वहाँ पूजा करते, आते तब भी उसी मस्ती में आनंद में रहते, तो हमारे अंतःकरण का निर्माण हुआ। भौतिकवादी को भौतिक फायदा होगा, आयुर्वेद वाले को औषधीय फायदा होगा, भगवत भाव वाले का अपना चित्त निर्माण होगा और तत्ववेता अष्टधा प्रकृति के संग दोष से मुक्त अपने स्वरूप को ही देखेगा। अब तुम कौन सा दृष्टिकोण अपनाते हो उस पर तुम्हारा भविष्य निर्भर है। हरिओम नारायण नारायण नारायण।